Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning everyone. Good morning, sir. Okay, good. Let me start with a story. आज से करीब एक real story है. आज से करीब 15-20 साल पहले की बात है. गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वो ही वॉज ट्रैवलिंग समवेयर और उनके साथ एक बच्चा था करीब 7-8 साल का, और वो प्लेन से कहीं ट्रैवल कर रहे थे और अचानक प्लेन जो है वो क्रैश हो गई. ठीक है, और प्लेन क्रैश हुई और फिर उनको थोड़ी देर में समझ में आ गया कि अब थोड़ी देर में प्लेन ब्लास्ट हो जाएगी. तो उन्होंने क्या किया, अब उसको उनको समझ में आ गया कि अब मैं और मेरा बच्चा बचने वाले नहीं है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खिड़की फोड़ी और वहाँ से अपने पहले बच्चे को फेंका और फिर वहाँ से खुद कूद गए. और वो जो लोग प्लेन में बैठे वो जानते होंगे, वो काफ़ी हाइट में रहता है, वो मतलब ट्रेन की विंडो जितना नहीं रहता है, काफ़ी हाइट में रहता है. तो वो खुद कूद गए और अपने बच्चे को भी फेंक दिया. और ही वॉज मतलब बैडली इन पेन, बहुत बहुत पेन हो रहा था, बहुत सारी इंजुरीज थी उनको. फिर भी उनको लगा कि यार अभी भी अगर मैं यहीं पर रुके रहा तब भी प्लेन ब्लास्ट होगी और अल्टीमेटली मुझे मरना ही है. तो उन्होंने बच्चे को उठाया, करीब 7-8 साल का बच्चा था, उसको उन्होंने उठाया और दूर तक भागे. करीब 600-700 मीटर दूर तक वो भागे सेफ जगह में पहुंचने के लिए. बट स्टिल उनको वहां पर लगा, वहां पर पहुंच गए वो, बट स्टिल उनको लगा कि मैं यहां पर बैठे रहा प्लेन तो ब्लास्ट हो जाएगी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाले जो आएंगे वो सब प्लेन के पास जाएंगे, यहाँ कोई नहीं आएगा. तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, हेल्प 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 करके बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे. और अल्टीमेटली फाइनली एक रेस्क्यू वाले ने उनको देख लिया और वो बचा लिया गया. उनको फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ पता चला डेट ही वॉज हैविंग मल्टीपल फ्रैक्चर्स इन हिज लेग. ही वॉज हैविंग मल्टीपल फ्रैक्चर्स इन हिज लेग एंड विद डेट मल्टीपल फ्रैक्चर उन्होंने एक बच्चे को हाथ में उठाया और वो कई सौ मीटर तक दूर तक दौड़े. क्या चीज़ है ये, इज दिस द पावर ऑफ बॉडी? बॉडी में इतनी पावर है ही नहीं. वॉट इज दिस? दिस इज द पावर ऑफ माइंड. ये माइंड का पावर है जो हम नॉर्मल वे में रियलाइज नहीं कर पाते, बट कभी कुछ कंडीशन ऐसी आती है तब वो चीज़ हमारी बाहर निकल के आती. अदर स्टोरी आई विल टेल यू. ब्रुकलिन ब्रिज का नाम सुना होगा आप लोगों में से किसी ने. वो ब्रिज जो है वो ब्रुकलिन को मैनहट्टन से कनेक्ट करता है. और इन अर्ली 1870s जब वो ब्रिज बनाया गया, एक फादर और सन का एक ड्रीम था, स्पेशली फादर का ड्रीम था कि एक ब्रिज बनाया जाए जो कि ब्रुकलिन से मैनहट्टन को कनेक्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. बट वो प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट था, काफ़ी डिफिकल्ट था, और सब लोगों ने उन्हें वॉर्न किया कि मत इसमें हाथ मत डालो, बहुत रिस्क वाली बात है. बट स्टिल उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं बनाऊँगा इसको. तो उन्होंने शुरू भी किया काम, और शुरू में ही एकदम शुरुआत में जब सर्वेइंग का ही काम चल रहा था तब एक एक्सीडेंट हुआ और फादर की डेथ हो गई. फिर सन ने सोचा कि यार मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, मेरे फादर का ये ड्रीम था, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा. तो सन ने फिर कंटिन्यू किया प्रोजेक्ट. एंड इन अनदर एक्सीडेंट, जैसा कि बहुत लोग बताए थे कि बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है, इन अनदर एक्सीडेंट द सन गॉट पैरालाइज्ड. सन पूरी तरह से पैरालाइज हो गया, पूरा उसका बॉडी काम करना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक फिंगर टिप्स इस तरीके से काम करती थी. मतलब सिर्फ वो किसी की बॉडी पे टैप कर सकता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था. माइंड काम कर रहा था, बॉडी ने काम करना बंद कर दिया. उसने क्या किया, बट स्टिल उसका ये ड्रीम था कि मैं मुझे अपने फादर का ड्रीम पूरा करना है. तो उसने क्या किया, उसने और उसकी वाइफ ने मिलकर एक लैंग्वेज डेवलप की. एंड वॉट ही डिड वॉज ही यूज टू टैप ऑन हर हैंड्स, और वो उसकी भाषा को समझ जाती थी. तो उसने इसी तरीके से हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ साइट में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उसकी वाइफ ने उन तक पहुँचाया. 12 साल लगे इस चीज़ को, वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन देता था, उसकी वाइफ वहाँ पर इंस्ट्रक्शन पहुँचाती थी. इट टुक 12 ईयर्स, बट फाइनली द ब्रिज वॉज बिल्ड. आज भी वो ब्रिज है कनेक्टिंग फ्रॉम ब्रुकलिन टू मैनहट्टन, showing someone's immense power of dream, immense power of belief and immense power of mind. Okay, so this is the power of mind. ये हमारे mind का power है, but most of us don't realize this thing. हम में से maximum लोग इस चीज़ को use, तो क्या कारण है कि कुछ लोग जो use कर पाते हैं इस power of mind को वो बहुत आगे पहुँच जाते हैं, और हम में से maximum लोग उस चीज़ को use नहीं कर सकते. The answer lies in this 5-letter word. That is focus. Power तो है, but जब तक उसको focus ना किया जाए वो power किसी काम की नहीं. Magnifying glass सब जानते होंगे, उसमें इतनी power रहती है कि वो किसी चीज़ को जला सकता है, किसी paper को या किसी भी चीज़ को वो जला सकता है. But अगर मैं उसको धूप में ले जाऊँ और इस तरीके से हिलाते रहूँ,
तो क्या कुछ होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या जरूरी है उसके लिए? फोकस करना उसके लिए बहुत जरूरी। फोकस आखिर है क्या चीज, इसको एक छोटी सी स्टोरी से अपन समझते हैं। और ये स्टोरी है महाभारत की। द्रोणाचार्य का नाम सबने सुना होगा, कौन थे वो? ही वॉज अ टीचर ऑफ कौरवास एंड पांडवास, दोनों के टीचर थे। और जब वो एक बार ट्रेनिंग दे रहे थे तो उन्होंने ड्यूरिंग ट्रेनिंग उन्होंने एक बर्ड रखा, एक लकड़ी का पक्षी रखा एक पेड़ में। और उन्होंने एक एक करके अपने शिष्यों को, अपने जो डिसाइपल्स हैं उनको बुलाना शुरू किया और कहा कि उसको निशाना लगाओ। तो सबसे पहले आया दुर्योधन, उसने निशाना लगाया। उससे पूछा गुरु ने कि क्या क्या दिख रहा है? तो उसने कहा मुझे गुरुदेव, मुझे पूरा पेड़ दिख रहा है, मुझे पत्ते दिख रहे हैं, पक्षी तो खैर दिख ही रहा है, आसमान दिख रहा है, पीछे जो खड़े हैं वो लोग सब दिख रहे हैं। बोले बहुत बढ़िया, साइड हो जा। फिर दूसरे को बुलाया उसने, तुझे क्या दिख रहा है? उसने भी अपनी पूरी लिस्ट बता दी। ऐसे करते करते सब कौरव पांडव को बुलाया, लास्ट में उसने बुलाया अर्जुन को। अर्जुन आके खड़े हो गया, स्टिल एकदम, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम पॉजिटिव थी और वो स्टिल खड़े हो गया और उसने निशाना लगाया। फिर उससे गुरुदेव ने पूछा कि क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंख दिख रही है। दिस इज नोन एज फोकस। और फिर उसको उसने कहा कि निशाने लगाओ, तो निशाने लगाया और सीधा पक्षी की आंख। तो ये कहलाता है फोकस। दैट मीन्स यू जस्ट हैव टू सी द ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस, उसके अलावा उसके साइड में उसके आजू बाजू कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। दिस इज नोन एज फोकस। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वेयर टू फोकस। ये हम में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है और बिलीव मी इस दुनिया की 99% प्रॉब्लम्स का रीज़न ही यही है कि हम ये नहीं जानते हैं कि फोकस आखिर किया कहाँ जाए। तो एक भगवद गीता में एक बहुत अच्छा वर्स है, वो कहते हैं कि योर लाइफ शुड हैव अ सिंगल पॉइंटेड फोकस, विवस्यात्मिका बुद्धि रेखा। द वर्ड दैट इज यूज विवस्यात्मिका बुद्धि रेखा। माइंड शुड हैव सिंगल पॉइंटेड फोकस एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स। बहुगुना जो वर्ड यूज किया गया है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर, मतलब फोकस तो होना चाहिए बट फोकस शुड नॉट बी इन डिजायर्स। हम में से मैक्सिमम लोग का फोकस कहाँ होता है? डिजायर्स में होता है। मैं इनफॉर्मली जब किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि वॉट इज योर गोल, ऐसे ऐसे आंसर मिलते हैं। मुझे कोई बोलता है कि सर मुझे बस आज से 5 साल 7 साल बाद 2-3 BMW हो जाए, एक आध बड़ा सा बंगला हो जाए, 2-4 नौकर चाकर हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये मतलब लिटरली ये गोल रहता है लोगों का। दिस इज नॉट द गोल। ये सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स है जो सिर्फ तुम लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो गोल क्या होना चाहिए? गोल शुड बी समथिंग पर्पसफुल। पर्पसफुल गोल मीन्स द गोल डेट शुड बेनिफिट यू, that should benefit your family, that should benefit your society, and that should benefit your country. और ये मैं कोई literature वाली बात, philosophical बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत practical बातें कर रहा हूँ। देखो होता क्या है और दोनों में difference क्या है समझ में आएगा। Suppose we have a purposeful goal and on the other hand we have desires as our goal. तो दोनों में difference क्या होगा और कैसे तुम्हारी सोच में उस चीज़ में फ़र्क आएगा? ठीक है, पर्पसफुल गोल, सपोज मोस्ट ऑफ यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, सपोज किसी का गोल है, एक पॉजिटिव गोल है कि आज से कुछ सालों बाद मुझे एक ऐसी इंजन डेवलप करनी है विच कैन, जो कि पावर प्रोड्यूस कर सके इतना, और प्लस साथ ही साथ क्या करें वो वाटर से पावर दे सके हमको। ओके, ये सपोज किसी का गोल है कि मैं बहुत बड़ी एनर्जी की जो प्रॉब्लम है दुनिया की वो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। ओके, ये हुआ उसका पर्पसफुल गोल। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च फील्ड में जाना पड़ेगा। रिसर्च के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पीएचडी करना पड़ेगा फ्रॉम सपोज आईआईटी। सपोज पीएचडी के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एमटेक करना पड़ेगा फ्रॉम आईआईटी। एमटेक के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको गेट देना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स योर शॉर्ट टर्म गोल। तो ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। अब क्या है, अब इसके लिए क्या करना है, अब इसके लिए हमको अब स्टडीज चालू करनी है, अब सब्जेक्ट्स की स्टडीज चालू करनी है। तो अब फोकस पूरा कहाँ होना चाहिए? कीपिंग दिस इन माइंड यू शुड फोकस ऑन द स्टडीज, यू शुड फोकस ऑन योर वर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइंड में रहना बहुत जरूरी है, गोल सेटिंग आदमी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि गोल सेटिंग ही उसको डायरेक्शन देती है। अब इसको देखो, सीधा सीधा डायरेक्शन मिल गया, गेट से एमटेक, एमटेक से पीएचडी, पीएचडी से रिसर्च, रिसर्च से वट एवर, उसका जो भी उसका गोल है। क्लियर इसको मिल गया।
ओके. ऑन द अदर हैंड सपोज किसी का गोल सिर्फ डिजायर्स है. सपोज किसी का गोल है कि आज से मैं 5 साल बाद एक BMW खरीदूं. ये गोल है किसी का. ओके. अब इसको खरीदने के 1000 रास्ते हो सकते हैं. पैसा कमाने के बहुत रास्ते होते हैं. 1000 रास्ते हैं इसके. ओके. यहाँ वो आदमी खड़ा है, इसको कमाने के 1000 रास्ते हो गए. तो अब क्या होगा, अब सपोज वो देखा कि शुरू में मैं जॉब करता हूँ, जॉब करके मैं कुछ सालों में BMW खरीद सकता हूँ. तो वो जॉब करना शुरू किया. जॉब किया किया, अरे यार इसमें तो बहुत टाइम लगेगा मुझे, ऐसे मैं जॉब करते रहा तो ज़िंदगी भर नहीं खरीद पाऊँगा. वापस आ गया. फिर उसने चालू किया सपोज बिजनेस ए. ए बिज़नेस शुरू किया कि यार अब बिज़नेस करके करूँगा, इसमें भी टाइम लग रहा था. वापस आ गया. फिर बिज़नेस बी शुरू किया. इस तरीके से कहीं पर भी किसी भी चीज़ में वो क्या नहीं कर पा रहा था, फोकस नहीं. ये उसी तरीके से इसको देखो, अगर मैं प्रैक्टिकली सिंपल चीज़ से समझाऊं, सपोज किसी को किसी का गोल है कि मुझे फ्रूट की दुकान लगानी है. उसने कहीं से सुन लिया कि मुझे कि फ्रूट की दुकान में बहुत पैसा है. ओके. तो उसको फ्रूट की दुकान लगानी है. अब देखो दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आएगा. दोनों को फ्रूट की दुकान लगानी है, बट देखो डिफरेंस कहाँ पर आएगा. ठीक. अब उसको फ्रूट की दुकान लगानी है, बट उसको पता नहीं कि कौन सा फ्रूट है. उसको खाली सुन लिया है कि फ्रूट की दुकान लगानी है. उसने पहले क्या किया, मैंगो की सीड, उसके पास एक लिमिटेड स्पेस है, उसने मैंगो की सीड उसमें सो कर दी, मैंगो की सीड उसने बो दी. ठीक है. अब वो देखा, एक साल देखा, डेढ़ साल, अरे यार ये तो बहुत टाइम लगा रहा है, ऐसे में तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. तो उसने क्या किया, खोद के मैंगो की सीड निकाल दिया और फिर डाल दिया एप्पल की सीड. फिर उसको देखा, फिर 6 महीने साल भर देखा, अरे यार ये भी बहुत टाइम लगा रहा है. फिर उसने उसको भी निकाल दिया. तो इस तरीके से क्या होगा, क्या कोई भी सीड वो उग पाएगी क्या? कोई भी सीड नहीं उग पाएगी. ऑन द अदर हैंड अगर किसी को पता है कि मुझे यार मुझे सिर्फ और सिर्फ मैंगो का बिजनेस करना है, मुझे सिर्फ मैंगो को बोना है, तो क्या करेगा, वो मैंगो की ही सीड डालेगा. उसने बाकी सारे ऑप्शंस काट दिए अपने आजू बाजू से, सिर्फ मुझे मैंगो पे फोकस करना है. उसने क्या किया, मैंगो की सीड बोया, उसके बारे में स्टडी किया कि क्या क्या कंडीशंस फेवरेबल है मैंगो की, मैंगो के का पेड़ लगने के लिए क्या क्या कंडीशंस फेवरेबल है. उस कंडीशंस को उसने फॉलो किया एंड अल्टीमेटली ही विल रीच द गोल. ये डिफरेंस ऑन मैर है दोनों में, क्लियर है कि नहीं? ठीक है. और इस बीच में सपोज ये उसकी जर्नी चल रही है, इस बीच में सपोज कोई आदमी आ गया कि यार मेरे पास एक शॉर्टकट है बढ़िया दरबा तेरे लिए, अपन दोनों बढ़िया मिलके चिट फंड कंपनी खोलते हैं, मस्त कमाएंगे, 3-4 साल में करोड़पति बन के फुर हो जाएंगे. ओके. नो डाउट 3 साल में उसको BMW मिल गई, बट अगले 3 साल में जी. और यही हो रहा है आज की डेट में. इतने जो घोटाले हो रहे हैं, इतने करप्शन हो रहा है, इस सब का रीज़न क्या है? इन सब का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारा फोकस कहाँ होता है, डिज़ायर्स में होता है, कोई एक पर्पसफुल गोल में नहीं होता है. और जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी जो जिनको तुम लोग सक्सेसफुल समझते हो, उनकी अगर लाइफ हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उनका कहीं ना कहीं गोल था, एक पर्पसफुल गोल था, कहीं ना कहीं उनका एक पर्पसफुल गोल था. बिल गेट्स ने जब 1980s में जब उसने स्टार्ट किया था अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, उस समय उसका एक ही गोल था कि हर हाथ में मुझे किसी भी तरीके से कंप्यूटर को पहुंचाना है, चाहे जो भी हो, हर हाथ में मुझे कंप्यूटर को. तो उसके लिए उसको 10 तरीके दिखे कि किस तरीके से, एट दैट टाइम द कंप्यूटर यूज टू बी क्वाइट बिग. तो उसने उसको कैसे उसको कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, फिर कैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते थे, कैसे उन ऑपरेटिंग सिस्टम को एक आम पब्लिक की रीच में लाया जा सकता है, इस पे उसने वर्कआउट शुरू किया एंड अल्टीमेटली ही गॉट द रिजल्ट. जब उसने शुरू किया था तब डेफिनेटली उसने कभी नहीं सोचा होगा कि आई विल बी द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस प्लैनेट, कभी नहीं सोचा होगा. सिमिलरली स्टीव जॉब्स, आज की डेट में एप्पल सबसे बड़ी कंपनी है, मालूम होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एप्पल आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है. बट स्टीव जॉब्स का कभी कोई इंटरव्यू या स्टीव जॉब्स की कभी कोई स्पीच या उसकी बुक पढ़ना, उसका सिर्फ एक ही ड्रीम था कि मुझे किसी तरीके से इस कंप्यूटर को कॉम्पैक्ट करके हाथ में लेके आना है, मोबाइल में लेके आना है और लोगों की ज़िंदगी को इजी करना है, लोगों की ज़िंदगी को कंफर्टेबल करना है, ये उसका गोल था. उसका गोल नहीं था कि सबसे बड़ी कंपनी बनाना है, आ रहा था उनमें. और इसी गोल में फिर उनको सक्सेस मिली. जितने भी बड़े लोग हैं उनकी अगर लाइफ हिस्ट्री उठा के देखोगे तो यही वो डिफरेंस लाई करता है. सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन सम पर्पसफुल गोल, डेट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो एक ऐसा बिजनेस जिससे लोगों को भी लाभ हो, तो वही चीज़ लॉन्ग टर्म तक चलेगी, अदरवाइज कोई चीज़ नहीं चलती. ओके. नेक्स्ट थिंग, ये तो हुआ वेयर टू फोकस. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू फोकस, और रादर इसको मैं थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट में लाऊं, देन हाउ टू कंसंट्रेट.
there is a very thin gap separating focus and concentration, almost ek dusre ka synonym, as a synonym hum use karte hain. How to concentrate? So concentration pe kuch ek verses hai Swami Vivekanand ke, I would like to read it out for you. He says, the difference between ordinary person and extraordinary person lies in the degree of concentration. This is the only difference between the ordinary person and extraordinary person. How much degree of concentration he or she is having. Then he says, when one works with concentration, losing all consciousness of oneself, the work that is done is infinitely better. One works with concentration, losing all consciousness, then the work which is done is infinitely better. And then he says, to me, the very essence of education should be concentration of mind and not the collecting of facts. ये बहुत बड़ी बात है. Education का मतलब ही क्या होना चाहिए? How can you concentrate? Facts तो आजकल ऐसा है कि fingertips में available है. आज हमारे पास pocket में हमारे सारे facts available है. मैं simply अगर mobile में चाहूँ तो जो everything I can Google it out. Facts सारी चीज़ें मिल जाएगी. आना क्या चाहिए हमको, ज़रूरी क्या है कि कब किस fact को किस तरीके से focus करके, किस तरीके से उस पर concentrate करके उसको use किया जाए practically. This is very important. ओके तो कंसंट्रेशन के अब तरीके क्या हो सकते हैं, और स्वामी विवेकानंद इसके जीते जागते एक बहुत बड़े एग्जांपल थे. उन्होंने सिर्फ कोट्स कहे नहीं हैं, उनकी स्टोरीज भी सब जानते होंगे. एक बार वो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे एंड ही वाज रीडिंग द एनसाइक्लोपीडिया. एनसाइक्लोपीडिया उस समय, आजकल तो खैर एक डीवीडी के फॉर्म में आती है, एट दैट टाइम इट यूज टू बी लाइक दिस, इतनी बड़ी और इतनी मोटी, ऐसे 10 से 12 वॉल्यूम्स एनसाइक्लोपीडिया की होती थी. And he was reading in the library, और suddenly एक disturbing element उनके पास आया, और उसने कहा, स्वामी जी, मतलब रहते हैं ना कई लोग library में जब रहो, तो उसने कहा कि स्वामी जी कि किसी भी person के लिए, एक ordinary person के लिए ये impossible है कि इतने पूरे volumes वो एक बार में पढ़ पाए. 12 volume अपने lifetime में कोई नहीं पढ़ सकता. तो स्वामी जी बोले कि यार तुम क्या बात कर रहे हो, 10 volume मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये 11वीं volume है, एंड वेरी सून आई विल बी फिनिशिंग डेट 12th वॉल्यूम. और जो वॉल्यूम मैंने कंप्लीट किए हैं उसमें से तुम मुझे कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, मैं बता दूंगा. और उसने पूछा, कोई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम निकाल के उसने एक चीज़ पूछा, और उस चीज़ को स्वामी विवेकानंद ने एक एक वर्ड, एक एक शब्द सहित, एक एक कॉमा और फुल स्टॉप के साथ उसको, उस चीज़ को उन्होंने बताया. ये स्टोरी सब लोगों ने सुनी होगी, सब जानते होंगे. सो दिस इज द इमेंस पावर ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन. तो अब सवाल उठता है कि कैसे कंसंट्रेट कर पाए हम अपने माइंड को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.